सत श्री अकाल। चढ़दी कला टाइम टीवी न्यूज़ देखने वाले सारे दर्शकों का मैं राजविंदर कौर स्वागत करती हूँ। खबरों की शुरुआत तो पहला एक नज़र मार लें सुर्खियों दी वल। अमरीका के सान फ्रांसिस्को च भारतीय अंबैसी ते हमला 5 महीनों च वापरी दूजी घटना। फैडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने मामले की जांच की शुरू। अंसारी मामले ते सीएम मान का एक होर खुलासा। कैप्टन रंधावा फेर लिया निशाने ते रंधावा वालों कैप्टन लिखी गई चिट्ठी की गई जनतक। एक साल पहला न्यूजीलैंड गए पंजाबी नौजवान की हार्ट अटैक नाल हुई मौत। हुण खबरां विस्थार दे नाल। अमरीका के सान फ्रांसिस्को च भारतीय अंबैसी च अग लाउण दी कोशिश की गई। हालांकि सान फ्रांसिस्को फायर विभाग ने इस नूं तुरंत बुझा दिता है। एक रिपोर्ट च दस्सिया गया कि हमले च सीमित नुकसान होया ते कोई भी मुलाजम जख्मी नहीं होया। फिलहाल इस मामले की जांच फैडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने शुरू की। इस घटना च अंबैसी नूं ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचिया। दसनयोग है कि 5 महीनों दौरान यह दूजी घटना है। इस तो पहला अमृतपाल सिंह रिहा करने की मांग नूं लैके खालिस्तान समर्थकों ने मार्च च इस कौंसुलेट नूं घेरिया सी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ से अपना बनता हक लैण लई कोशिशां तेज कर दित्तियां ने। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुखू ने एक बयान च कहा है कि पंजाब पुनर्गठन एक्ट 1966 च साफ तौर पर चंडीगढ़ विच हिमाचल प्रदेश की 7.19% हिस्सेदारी के हक का जिक्र है, पर सूबे नूं शुरू तो ही इस हक तो वांझा रखा गया। हिमाचल प्रदेश के लोगों के नाल बेइंसाफी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हुण हिमाचल प्रदेश सरकार चंडीगढ़ विच 7.19% हिस्सेदारी के अधिकारी समेत अपने बनते हकों नूं हासिल करन लई सारे लोड़ींदे मंचां ते अपनी आवाज़ चुक रही है। सुखू ने कहा कि इस मुद्दे ते सारे पहलुआं ते गौर करन ते रिपोर्ट दाखिल करन लई एक मंत्री मंडली उप कमेटी का गठन किया गया। उन्होंने दस्सिया है कि सूबा सरकार रिपोर्ट के सिट्टे ते सिफारशां ते विचार करन तों बाद अगे दे कदमां ते फैसला लवेगी। पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत मान छेती ही एक होर टोल प्लाजा बंद कराउण जा रहे हैं। बागा पुराना हल्के दे विधायक अमृतपाल सिंह सुखानंद ने दस्सिया है कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान 5 जुलाई नूं मोगा कोटकपुरा रोड से चंद पुराना नेड़े लग्या पीडी अग्रवाल टोल प्लाजा बंद कराउणगे। विधायक अमृतपाल सिंह सुखानंद ने दस्सिया है कि टोल प्लाजा पहला 21 जुलाई नूं बंद होना सी, पर हुण इह 5 जुलाई नूं बंद हो जाएगा क्योंकि कंपनी के पैसे पहला ही पूरे हो चुके। उन्होंने दस्सिया कि मुख्यमंत्री टोल प्लाजा बंद कराउण लई 5 जुलाई नूं सवेरे 10 बजे इत्थे पहुंचे। उत्तर प्रदेश के गैंगस्टर मुख्तार अंसारी नूं पंजाब दी जेल विच रखण दा मामला तूल फड़दा जा रहा है। इस नूं लैके मुख्यमंत्री भगवंत मान, साबका मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ते साबका जेल मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा विचाले वार पलटवार का सिलसिला लगातार जारी है। इस विचाले हुण मुख्यमंत्री भगवंत मान का एक होर ट्वीट आया। मुख्यमंत्री ने साबका जेल मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा वालों कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं लिखी एक चिट्ठी सांझी की है। 1 अप्रैल 2021 च लिखी गई इस चिट्ठी मुताबिक रंधावा वालों कैप्टन अंसारी के मसले से स्थिति स्पष्ट करने की अपील की गई सी। इस मामले में लैके रंधावा ने मीडिया के विरोधियों वालों चुके जा रहे सवालों का जिक्र करते हैं इसनों गंभीर मसला दसिया सी ते बनदी कार्रवाई करने की अपील की सी। जिक्रयोग है कि पंजाब की जेल में रहे यूपी के गैंगस्टर अंसारी लैके मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि यूपी के गैंगस्टर अंसारी अपनी दोस्ती निभाने लई पंजाब की जेल में रखा, उसका केस सुप्रीम कोर्ट च लड़न की फीस 55 लाख रुपए पंजाब के खजाने चो नहीं दिते जाणगे। उस वेले दे गृह मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ते जेल मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा तो यह पैसा वसूलिया जाए।
पंजाब विच आए दिन नशे की ओवरडोज नाल मौत होने के मामले सामने आ रहे हैं। इसे तरह जिला फतेहगढ़ साहब के अमलोह विखे एक नौजवान की नशे की ओवरडोज के नाल मौत होने का शक जताया जा रहा है। नौजवान की लाश पिंड अंबे माजरा के रजवाहे के नेड़े खेतों चो मिली है, जिस नाल एक मोटरसाइकिल भी खड़ा मिले। मृतक नौजवान के हाथ में एक सिरिंज भी दिखाई दे रही है। उधर सूचना मिलने तो बाद पुलिस मौके पर पहुंची तो फोरेंसिक टीम की मदद नाल अगलेरी जांच की जा रही है। दूजे पासे पछाण ना होने कारण नौजवान की फोटो सोशल मीडिया से वायरल कर दी गई। डीएसपी जंगजीत सिंह रंधावा ने दस्सिया कि फोरेंसिक टीम की मदद नाल पूरे मामले की जांच की जा रही है। नौजवान की मौत किवें हुई इस बारे फिलहाल अजे कुछ नहीं किया जा सकता। गुरदासपुर के कस्बा वडाला बांगर के 24 साल नौजवान कंवरजीत सिंह जो रोजी रोटी कमाने न्यूजीलैंड गया हुआ है, उसकी अचानक मौत होने का दुख भरिया समाचार मिलने से परिवार के इलाके च सोग की लहर पाई जा रही। इस संबंधी मृतक कंवरजीत सिंह के जीजा सरपंच मेजर सिंह ढिल्लों ने दसिया कि तड़कसार कंवरजीत सिंह के दोस्त मानवीर सिंह भुल्लर ने फोन से कंवरजीत सिंह के पिता मलूक सिंह नूं दसिया कि कंवरजीत की मौत हो गई है। मेजर सिंह ने दसिया कि कंवरजीत सिंह महज 6 साल पहला न्यूजीलैंड स्टडी वीजे पर गया हुआ सी ते करीब 1 साल पहला ही उसनूं PR मिली सी। कंवरजीत ने जनवरी महीने वतन परतना से उन्होंने सरकार तो मंग की कि उन्होंने पुत की मृतक देह को जल्द तो जल्द भारत लिया जाए ता जो उसका अंतिम संस्कार किया जा सके। माछीवाड़ा के स्थानक राहो रोड से स्थित एक कलोनी विखे सबका फौजी गरीब दास वासी बलिएवाल की एक औरत के घर शक्की हालत च मौत हो गई। इससे पुलिस ने दो औरतां सीमा ते उर्मिला देवी खिलाफ वख-वख धाराओं तहत मामला दर्ज किया है। मृतक के पुत ने पुलिस को बयान दर्ज करवाए कि उसका पिता 2016 फौज तो सेवा मुक्त होया सी, जिस तो बाद वो केंद्रीय जेल लुधियाना विखे प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड वजो काम करता रहा। बयानकर्ता अनुसार उसका पिता हुण पिछले 3-4 साल तो वेला सी ते उन्होंने पता लगे कि उसके माछीवाड़ा विखे राहो रोड से स्थित एक कलोनी की औरत सीमा नाल नजायज संबंध सन ते उन्होंने शक है कि उक्त महिला ने उसके पिता का कतल किया। इस मामले की जांच कर रहे सहायक थानेदार संतोख सिंह ने दस्सिया कि मृतक के पुत वालों दिए गए बयान के आधार से दो औरतों खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया ते लाश नू पोस्टमार्टम लिए भेज दिता गया। सूबे भर के नाल नाल फतेहगढ़ साहिब विच अंतां दी पै रही गर्मी तो देर रात जिथे तेज़ हवावां चलन ते बारिश पैण नाल मौसम दा मिजाज बदल गया। लोगों नूं गर्मी तो कुछ राहत जरूर मिली है। फतेहगढ़ साहिब विच तड़कसार तो ही मीह पैना शुरू हो गया, जिस नाल केवल लोगों ने ही नहीं सगो पशु पंछियों नूं भी अंतां दी पै रही गर्मी तो कुछ निजात मिली। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन वालों बाबा बंदा सिंह बहादुर इंजीनियरिंग कॉलेज फतेहगढ़ साहिब विखे स्कूली विद्यार्थियों के धार्मिक ज्ञान प्रचंड प्रश्नोत्तरी मुकाबले दौरान फाइनल मुकाबलों में पहला स्थान गुरु नानक देव अकैडमी बटाला ने प्राप्त किया, जिसनों श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी के सबका प्रधान प्रोफेसर कृपाल सिंह बडूंगर वालों 1 लाख रुपये दूजा स्थान प्राप्त करने वाले साहबजादा अजीत सिंह पब्लिक स्कूल लद्देवाल मालपुर 75,000 इस दे नाल ही भाई नंद लाल सीनियर सैकेंडरी स्कूल श्री आनंदपुर साहब ने 51,000 रुपये दे के सन्मानित किया गया। इस मौके बोलदे श्रोमणी कमेटी प्रधान ने कहा कि इन्होंने छोटे छोटे बच्चों में धार्मिक पक्ष तो जिथे बहुत ज्ञान देखने को मिले। इस मौके पर श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के यूनियन मीत प्रधान जथेदार अवतार सिंह रिया से श्रोमणी कमेटी के अंतरिम कमेटी मैंबर भाई गुरप्रीत सिंह रंधावा भी मौजूद रहे। कि हर साल ही छुट्टियां दे बच्चे कैंप के तौर के उत्ते नाले बच्चे 10-12 दिन 15 दिन कट्ठे रह लेंगे आ, तो अब समुचा स्कूलों का सारा स्टाफ भी आया, उन्हां नाल भी सारी बैठ के विचार की गई, तो अगले साल तो असी यतन करांगे कि जिहड़े कॉलेज आ उन्हां नूं भी इस
वक्रे तौर पर प्रबंध के नाल जोड़िया जाए ता कि जेडे साडे बजुर्गों ने एजुकेशन अदारे बनाए से इन्हां दे पिछे एक परपज भी सगा कि जे अखरां दा ज्ञान होगा तो फिर गुर शब्द का ज्ञान भी गुरु के सिख जेडे हासिल करनगे। कुछ समा पहला आई पंजाब दे मशहूर कलाकार ते अदाकार गिप्पी गरेवाल दी पंजाबी फिल्म पानी विच मधाणी विच लॉटरी दी दिखाई गई कहानी तलवंडी साबो विखे सच हुंदी नजर आई। दरअसल सिख कौम दे चौथे तख्त श्री दमदमा साहिब विखे अपने साथी नूं अमृतपान कराउण आए एक व्यक्ति ने तलवंडी साबो तो एक लॉटरी की दुकान तो एक 200 रुपए की लॉटरी खरीद ली। भावें कि उस व्यक्ति ने पहला इनाम 1.5 करोड़ रुपए का जित लिया पर उसकी लॉटरी गुम होने कारण इन्हां हुण उह इनाम हासिल करने लिए दर दर दीआं ठोकरां खा रहे। करमजीत सिंह ने दसिया कि उसने लगातार लॉटरी की भाल की पर उसनू नहीं मिली। हलका फिरोजपुर देहाती अधीन आउंदे ब्लाक ममदौट विखे डॉक्टर भीमराव अंबेदकर नूं समर्पित पहला 2 रोज़ा क्रिकेट टूरनामेंट करवाया गया जिस विच फिरोजपुर मुकतसर फरीदकोट मोगा आदि जिलों तो कुल 32 क्रिकेट टीमों ने हिस्सा लिया। इस संबंधी जानकारी देंदे हुए क्रिकेट टूरनामेंट के प्रबंधकों ने दस्सिया कि इस टूरनामेंट नूं सफल बनाउण लई इलाके दे NRI नौजवानों ते पत्रकार भाईचारे का विशेष योगदान रहा। 2 रोज़ा क्रिकेट टूरनामेंट में फाइनल मुकाबला पिंड ढिलवां जिला फरीदकोट ते नथेवाल जिला मोगा विचकार खेडिया गया। इस क्रिकेट टूरनामेंट के मुख मेहमान हलका विधायक रजनीश दहिया ते नगर पंचायत ममदौट दे प्रधान उपेंद्र सिंह सिंधी रहे। उन्हां वल्लों जिला फरीदकोट दी जेतू टीम नूं इक ट्रॉफी ते 15,000 रुपए की नकद राशि ते जिला मोगा दी टीम नूं इक ट्रॉफी ते 10,000 रुपए की नकद राशि दे नाल सम्मानिया गया। हुण नजर मारदे हां अज दे मौसम दे हाल दे वल। इस नाल ही खबरों का सिलसिला इतने समाप्त होंदा है। नवीं ते ताज़ा खबरों के नाल फिर हाजिर होवांगे। तद तक लई दिओ इजाजत। धन्यवाद।